सभी को नमस्कार। आज लंबे समय से एक मन में विचार था कि साहित्य सृजन में सतत संलग्न जो साहित्यकार हैं उनकी मनोदशा और उनकी सृजनात्मक विमर्श को कैसे उसके बारे में बातचीत की जाए। तो आज की यह सुबह भारत में विमर्श के लिए शुरुआत करते हुए मैं आत्मराम शर्मा विषय प्रवर्तन करते हुए विषय है आधुनिक समय में व्यंग्यकार की चुनौतियाँ, समकालीन व्यंग्यकार रमेश जोशी का व्यंग्य साहित्य। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया से इससे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा मैं सबसे पहले मंच पे उपस्थित उमेश तांबी जी जो फिलाडेल्फिया से हैं उनका स्वागत करता हूँ। अशोक सिंह साहब जो न्यूयॉर्क से हैं उनका भी स्वागत है। भाई मनीष गुप्ता जी सिएटल से हैं उनका भी स्वागत है। और हमारे गुरुदेव गुरुवर रमेश जोशी जी सीकर से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ बिल्कुल और उनकी अनुमति से यह सेमिनार प्रारंभ करता हूँ। आप लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि ये क्या कारण है, क्यों इस पे बात कर रहे हैं हम लोग, और किस तरह की चुनौतियां हैं लेखन में, सृजन में, अभिव्यक्ति की जो बात है उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बातें, एक दो बातें जल्दी से रखता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक व्यंग्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है, जिनसे हम सब पंडित तो होते हैं किंतु उन स्थितियों को दूर करने, बदलने की नहीं करते, बल्कि बहुधा उन्हीं विसंगतियों के बीच जीने की, उनसे समझौता करने की आदत बना लेते हैं। व्यंग्यकार अपनी रचनाओं में ऐसे पात्रों और स्थितियों की योजना करता है जो इन अवांछित स्थितियों के प्रति पाठकों को सचेत करते हैं। समकालीन व्यंग्य साहित्य में रमेश जोशी जी ने अपने समय की मुश्किलों का उल्लेख अपने व्यंग्यों में किया है। उनकी पहचान देश के सक्रिय सशक्त व्यंग्यकार की है। जोशी जी का मानना है कि व्यंग्यकार हथियार तो नहीं चला सकता लेकिन सत्ता का मजाक जरूर उड़ा सकता है। उससे जनता का भय कम होता है और जब भय कम होता है तो सत्ता उससे कमजोर होती है, इसीलिए सत्ता व्यंग से डरती है। व्यंग की समाज में यही भूमिका है और हमेशा रहेगी। आजादी से पहले के भारतीय लेखक अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अपनी कलम चला रहे थे और देशभक्त कहे जाते थे। जोशी जी का मानना है कि आधुनिक समय में सत्ता के खिलाफ उनकी कमियों को गिनाने वाले सच्चे मायनों में समाज हित का कार्य कर रहे हैं। लेखक की भूमिका ऐसी ही है, इसलिए किसी भी प्रतिबद्ध लेखक को कोई भी बेईमान सत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जोशी जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आज की यह सेमिनार जोशी जी के व्यंग्य साहित्य के संदर्भ में है। जोशी जी का परिचय बहुत विस्तृत है और पिछले 40 सालों से, बल्कि 45 सालों से जोशी जी सृजन सक्रिय हैं। आपका जन्म 18 अगस्त 1942 को चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में एमए और भोपाल विश्वविद्यालय से बीएड किया। पोरबंदर से पोर्ट ब्लेयर तक देश के विभिन्न विद्यालयों में हिंदी शिक्षण किया। 2002 में केंद्रीय विद्यालय जयपुर से उप प्राचार्य के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। 1958 से देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। आकाशवाणी, राजकोट, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली से आपकी व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित हुई और अनेक अनेक संस्थाओं से गुरुजी जुड़े हुए हैं। और संप्रति के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका की पत्रिका विश्वा के आप
प्रधान संपादक हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है। जोशी जी की 22 से ज़्यादा रचना संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जिससे ये भी पता चलता है कि गुरु जी की रचनाएं कितनी व्यापक संदर्भ की हैं। जैसे कुछ के नाम हैं कर्जे के ठाट, रास्ते में अटकी उपलब्धियाँ, बेगाने मौसम, माई लेटर्स टू जॉर्ज बुश, कौन सुने एक तारा। ये शीर्षक बताते हैं कि जोशी जी के लेखन में अपने समय की विविधता और चुनौतियाँ दर्ज होती रही हैं। उनका एक संकलन है वेगाने मौसम, उसमें जोशी जी ने शायरी दर्ज की है, तो कुछ शेर मैं वहाँ यहाँ रखता हूँ। जैसे उनने लिखा, उनका साया जहाँ जहाँ पर, उनका साया जहाँ जहाँ पर, तिनका तक ना उगा वहाँ पर, तिनका तक ना उगा वहाँ पर। एक है गर्दन गर्दन आंखें कमर झुक गईं, गर्दन आंखें कमर झुक गईं, जो भी हो आया दरबार, गर्दन आंखें कमर झुक गईं, जो भी हो आया दरबार। जो व्यंग्यकार है, उस व्यंग्यकार की क्या भूमिका है, वो उनके हर एक शब्द में, हर एक लाइन में प्रतिबिंबित होता रहता है कि व्यंग्यकार की क्या भूमिका है। एक और है, ठुड्डी घुटनों तक पहुंचाई, ठुड्डी घुटनों तक पहुंचाई, फिर भी छोटी पड़ी रजाई। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया अब गांव में बदल गई है, उसी के संदर्भ में दो लाइनें हैं कि बंधुआ हैं मजदूर अभी तक, बंधुआ हैं मजदूर अभी तक, मगर मुक्त व्यापार हो गया। तो ये कुछ शेर थे, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से एक और गज़ल के दो तीन शेर पढ़ दूँ। संकलन है कौन सुने एक तारा, बिल्कुल कबीराना अंदाज का ये संकलन है शायरी का। तो और उसमें भाव उसका बहुत ही मुझे प्यारा है, रोचक लगता है, इसलिए उसको रख रहा हूँ। कि रंगी हो रंगी तो नारंगी भक्तो, रंगी तो नारंगी भक्तो, पर भूसा सतरंगी भक्तो। तन के ढोल नगाड़े बाजे, तन के ढोल नगाड़े बाजे, चुप मन की सारंगी भक्तो। अगला है जो बड़ा क्रांतिकारी कह सकते हैं, कि धूर्त लोग ज्यादा चिल्लाते, धूर्त लोग ज्यादा चिल्लाते, अली अली बजरंगी भक्तो। कबीराना भाव है। और कौन निभाता साथ किसी का, सब खुद अपने संगी भक्तो, और रंगी तो नारंगी भक्तो। तो ये भूमिका के तौर पे कुछ चीज़ें मैंने कही हैं, और एक और कुछ और दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि जो मंतव्य है, जो रचनाकार का, व्यंग्यकार का जो मंतव्य है, उसको गुरुजी ने बहुत ही सादगी से और बहुत सहज सजगता और सरलता से दर्ज किया है कि सबको प्रेम प्रसादी देना, सबको प्रेम प्रसादी देना, भले ना सोना चांदी देना। क्या बात। धूप धूप हवा पानी चिड़िया हो, धूप हवा पानी चिड़िया हो, रोटी चाहे आधी देना, सबको प्रेम प्रसादी देना। और दुख देना जितना जी चाहे, दुख देना जितना जी चाहे, पर निश्चय फौलादी देना, सबको प्रेम प्रसादी देना। और एक और है कि सच को सच कहें सके निडर हो, सच को सच कह सके निडर हो, बस इतनी आजादी देना, सबको प्रेम प्रसादी देना। तो ये कुछ मैंने रमेश जोशी जी की संकलन की रचनाओं को आपके सामने रखा। बहुत विस्तार से, बहुत व्यापकता से उन्होंने लिखा है। और मैं अब इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मंच के प्रतिभागियों में से आदरणीय अशोक सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें इस क्रम में। उनका संक्षिप्त परिचय मैं पढ़ना चाहता हूं। अशोक जी यूँ तो
आईटी विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी ख्याति और उनकी प्रसिद्धि गजलकार के तौर पर है। उन्नाव उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आईआईटी रुड़की से आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट तथा न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में एमएससी उपाधि प्राप्त की है। फिर बसंत आए आपकी रचना प्रकाशित हुई है, और भी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका के आप भूतपूर्व निर्देशक व त्रैमासिक पत्रिका ई विश्वा के सह संपादक रहे हैं। ई काव्य नामक आप एक काव्य गोष्ठी तथा तरंग काव्य गोष्ठी के संस्थापक हैं। और सबसे उल्लेखनीय बात है कि पिछले 5 सालों से हर सप्ताह ऑनलाइन मुशायरे का आप आयोजन करते हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं और विश्व रंग भोपाल में भी आपको सम्मानित किया गया है। संप्रति आईबीएम के वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी पद पर कार्यरत तथा न्यूयॉर्क में निवास करते हैं। तो मैं अशोक जी से आग्रह करता हूँ कि वो आएं और जोशी जी के बारे में और जो भी वो चाहें अपनी बात रखें। बिल्कुल। आदरणीय अशोक जी। सबसे पहले तो गुरु जी को चरण स्पर्श और नमस्कार। आत्माराम जी और सभी जो साथ में हमारे हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। इतना मतलब जो गागर में सागर भरने की बात कह रहे हैं, गुरु जी के बारे में 5-10 मिनट में क्या बात की जाए ये बताइए। देखिए, हम लोग तो कब से पता नहीं यहाँ पर कवियों की गोष्ठी कर रहे थे। तो जब पहले चलन था कि 3 कवि बुलाए जाते थे भारत से, एक गीत गजलकार होते थे, उनमें से एक को हास्य का बुलाया जाता था, एक को व्यंग्य का बुलाया जाता था। तो जब हास्य वाले भाई साहब आते थे वो अपना कुंजड़ी छोड़ के चले जाते थे, जब व्यंग वाले आते थे तो कहते थे कि व्यंग आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे हम सारे बेवकूफ़ बैठे हुए ऑडियंस में, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आपको घर जाके समझ में आएगा, वो व्यंग है। अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन अगर आप गुरुजी जैसे इंसान से मिलें, वो इतनी सहजता से एक बात कह देते हैं जो आपके मन में बैठती है। देखिए, मेरे पास तो वो प्रेम प्रसाद जब भी मन होता है उनका फोन कर देते हैं, आराम से बातचीत होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे एक सीख मिलती है उनसे बात करके। तो उनका जब प्रेम का मन होता है सीधे अशोक के पास फोन आता है, गुरु जी पाने लगे खुश हो बेटा, सीधे हमारा संवाद यहीं से शुरू होता है। और जो उनसे एक ही बात की, भाई गुरुजी आप क्या हमेशा खिलाफत में लिखते रहोगे? बोले नहीं, बिल्कुल सत्ता के खिलाफ मैं, जो भी सरकार आएगी उसके खिलाफ लिखूंगा मैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो गुरुजी का एक जो है वो साथ उनके चलता है तोताराम जी। अगर आपको उन्हें समझना है तो तोताराम जी को समझना पड़ेगा, तोताराम जी क्या चीज है। तो तोताराम वो कहते हैं कि तोताराम तो वैसे तो अकाल पुरुष है, और कहते हैं इस शब्द का विशेष रूप से अनावश्यक फसल न होने का कोई संबंध नहीं है, और भाषा ऐसी लिखते हैं कि हमारा किसी अकालासुर से कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे कभी तो तोताराम के बहाने बहुत सारी बातें वो करते हैं, ऐसी बातें उनका आपस में संवाद तोताराम से ऐसा होता है जिसमें कि बहुत गूढ़ से गूढ़ सब जो विषय होता है वो भी बहुत सहज और सामयिक हो जाता है। जहां तक लेखन की विधा रही है, लेखन में खूब उन्होंने लिखा है, लेकिन उसके पहले जो एक बात कहना चाह रहा था, मैं भारतीय कवियों की बात कर रहा था कि अगर आपने कभी अपने घर पे रोके हैं, अगर आप में से किसी को भी ये तजुर्बा हो, मेरे ख्याल से तांबी जी मुस्कुराने लगे होंगे ऑलरेडी, तो प्रॉब्लम क्या होती। देखिए भाई, कोई व्यक्तिगत इस बात को मत ले, अगर आप सुन रहे हैं, आप कवि हैं भारत के और यहाँ आकर रुके हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब आपके सामने से चाय की प्याली भी हमें उठानी पड़ती है। बिल्कुल गुरु जी हमारे घर पे आए, भाई साहब 7 बजे उठे, टनाटन बिस्तर भी तैयार करके रखे हुए हैं, सर्दियों का टाइम था, कंफर्टर चादर सब कुछ करना पड़ता था। गुरु जी का बिस्तर 7 बजे देखो एकदम फर्स्ट क्लास रेडी, मतलब बिस्तर लगा हुआ है, एक मजाल है कि आपको उनके पीछे काम करना पड़े। सेल्फ सफिशियंट, जो काम है सारा खुद कर लेंगे, एकदम मुस्तैद, और इसके बाद जो इस इंसान अपने आप को कैरी नहीं कर सकता वो दूसरे के लिए क्या लिखेगा। तो सबसे पहली बात है कि ही इज सो ऑर्गेनाइज सो डिसिप्लिन, लेकिन नजरिया तेज है, नजर में सारा कुछ वही आता है कि ये समाज में है, ये गलत है, सही है, लेकिन उसको बहुत ही ऐसा नहीं, भाई कुछ लोग ऐसा होते हैं कि भाई वो उसको नेरे ना के क्या बोलते हैं,
तो वो निरे राखी वाली बात नहीं, गुरु जी आपको सुझाव देंगे, बताएंगे भी कैसे होता है, तो लेखन में वो साफ बात भी है, और चूंकि जो बात गलत है उसको कहना जरूरी है इसलिए कहते भी हैं। इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि किसी व्यक्ति की 22 किताबें छप जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। कम से कम 22 में से 4-5 तो मेरे पास होंगी ही, 2-3 के शायद सॉफ्ट वर्जन हो, पढ़ी है मैंने सारी। कुछ गजल लिखते हैं, छंद लिखते हैं, हर विधा में जैसे लिखी जानी चाहिए उस तरह से कहते हैं, लेकिन बात व्यंग्य की हो रही है, हम वहीं पर अटकते हैं। तो व्यंग्य का एक दो जो है या उदाहरण दिया था आत्माराम जी ने, तो मैं उदाहरण की बात नहीं करूंगा लेकिन व्यक्तित्व की बात करूंगा कि जिस विचार के, जिस विचारधारा, जिस प्रिंसिपल की बात है, अगर आप उनको चैलेंज करेंगे तो आपसे वो बाकायदा बात करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे भाई छोड़ो क्या बात करनी, नहीं, आपको बहुत ही सहज तरीके से समझाएंगे और सिविलाइज तरीके से बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो ये जो है हमारे रमेश जोशी जी हैं, जो कि सहजता सरलता की मूर्ति, लेकिन ज्ञान का भंडार। और अगर आपको सीखना है कि भाई सेवा कैसे की जाती है, आदर्श विद्यालय से जो हिंदी आदर्श विद्यालय से जुड़े रहे हैं, तो हजारों लोग शायद गुरु जी के पैर छूते हैं और उन्होंने इस गरिमा को बराबर जो है बनाए रखा है, लोगों को मार्गदर्शन दिया है, लोगों को बताया है, सिखाया है कि आचरण क्या होता है, सबसे पहले वो जरूरी है, इसके बाद बाकी की सब बातें हैं। साहित्य की सेवा उन्होंने इतनी की है कि हम जो है आज उनकी तरफ देख रहे हैं, और आज की संगोष्ठी इसीलिए है कि रमेश जोशी जैसे जो है एक विद्वान जो है हमारे बीच में है, और उनका हम सम्मान करने के लिए उनके साहित्य सृजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस पर पूरे दिन बोल सकता हूँ, लेकिन आत्मराम जी अगर आपको चाहिए तो फिर हम थोड़ा आगे चलें, और मैं इसको थोड़ा वाणी को ही विराम करता हूँ। बहुत धन्यवाद अशोक जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप कि आप जाना आप रुक रहे हैं, तो मैं भी दूसरे दौर में आपसे और बात करूंगा। फिलहाल सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रतिभागी हमारे आदरणीय उमेश तांबी जी को मैं उनसे आग्रह करूंगा, और उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ते हुए मैं उन्हें वो भी आईटी के एक्सपर्ट हैं लेकिन मैं उन्हें गीतकार और कवि मानता हूँ। उनका संक्षिप्त परिचय है, नागपुर के समीप तुमसर शहर में जन्म, नागपुर विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक तथा एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर, 1999 में अमेरिका पहुँचे, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्यरत हैं, हिंदी से गहरा लगाव, कविता और गीत लिखते हैं, अंग्रेजी हिंदी में कविता संग्रह शब्दों की ओट में प्रकाशित, अनेक सामाजिक संगठनों में सक्रिय भागीदारी, और सबसे उल्लेखनीय है फिल्मी धुनों पर रोचक गीतों को प्रस्तुत करने में महारत। अब तक 500 से ज़्यादा गीतों को मंची प्रस्तुति दे चुके हैं जिन्हें YouTube पर सुना जा सकता है। अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत तथा विश्व रंग भोपाल में सम्मानित, संप्रति फिलाडेल्फिया में निवास। तो ऐसे हमारे उमेश जी हैं, मैं उनको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। उमेश जी नमस्ते जी, काका जी, राम राम। रमेश जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हाँ, वो म्यूट हो रहा था, वाली म्यूट किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमारी मुलाकात हुई थी वहां बिल्कुल पे याद है मुझे भाई, भोपाल में। मुझे हाँ याद हाँ तो है आप सीकर से हैं, हम लोग भी सीकर के पास से ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल शेखावटी बिल्कुल। हैं हम भी, तो ऐसी हाँ हमारी बात निकली थी। और फिर हाँ आपने आपका क्या बोलते साथ रहा वहां पे, सुबह चाय पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और फिर ऐसी बातें होती थी, तो याद है मुझे आपसे मुलाकात आपकी। और मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे, क्यों? उसका कारण यह है कि मैं साहित्य में तो ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरा, लेकिन रुचि बहुत है, हास्य व्यंग में विशेष रूप से बहुत ज्यादा रुचि है मेरी, और आपकी व्यंग रचनाएं मैं पढ़ते रहा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप बड़े सीधी बात करते हैं, मतलब घुमा फिरा के कोई बात नहीं करते, तो ये आपका जो तरीका है वो बहुत बहुत सटीक तरीके से आप किसी चीज के ऊपर में बोलते हैं, और नहीं जहां गलत है उसको वैसे रिस्की है सीधी बात करना,
रिस्की तो है दो मुखी लेकिन बात करने में सुरक्षा रहती है, सुविधा रहती है, इस पे भी चर्चा हुई थी चिपचाई हमारी, इस बात पे भी चर्चा हुई पलटा थी हमारी, अगर आपको याद हो या शायद नहीं होगा जा याद, इस बात पे भी चर्चा हुई थी सकता है। नहीं, ऐसा कि ऐसा नहीं है भाई, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं जिससे भी एक बार मिलता हूँ याद रहता है। मैं बच्चों के नाम नहीं जी जानता, लेकिन हजारों विद्यार्थियों को देखते ही पहचान लेता हूँ कि इसको हाँ पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है, इतना याद नहीं रहता लेकिन याद हाँ आ जाता है, ऐसा नहीं है भाई। तो और कमल जी, आपका, हाँ जी एक बस मैं तो देना चाह रहा हूँ कि ये 10 में 7-8 मिनट में शायद ये बंद होगा, तो फिर हाँ दोबारा सभी लोग उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाए। हाँ 6 मिनट की वार्निंग आ गई। हाँ तो हाँ एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मैं भी यहीं विराम करता हूँ, देता हूँ, आगे की बात आप आत्माराम जी आप मनीष जी से करवाइए, है ना। अच्छा ठीक है, फिर से जुड़ना पड़ेगा 6 मिनट के लेकिन अभी बाद। अभी बात, हाँ बात शुरू रख सकते हैं। आप और कुछ कहना चाहे फिर अगले उसमें मनीष जी को अच्छा बुलाता ठीक है, हूं। हाँ ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है। और विश्वा से आप जुड़े हुए हैं, विश्वा में भी आपके संपादकीय पढ़ने में हमेशा आते रहे हैं, और गर्भनाल में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं, उसमें भी हमने रुचि रखी है हमेशा। किताब आपकी कोई पढ़ने का मेरा अवसर अभी तक के नहीं मिला, मैंने बुला नहीं पाया अभी तक की कोई किताब आपकी, लेकिन आपका आशीर्वाद बने रहे हास्य व्यंग पे और हम लोगों पर, बस यही प्रार्थना है आपसे। भाई, सबको एक दूसरे की जरूरत है, बुजुर्गों को बच्चों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे आगे उनके ही हवाले है सब कुछ। जो भी अच्छा बुरा दुनिया में होना है उसको उनको भी मुकाबला करना है, हमारी तो निमनिम आ गई। अब जो ये काला गोरा हिंदू मुसलमान चल रहा है दुनिया में, ये सब आपको ही संभालना है। अब कैसे संभालना, बस यही आशीर्वाद शुभकामना है कि भाई आप अच्छी तरह से संभाल लो और ढंग से चलती रहे ये दुनिया। अब ऐसा है जी, बचपन में हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनते थे मंचों पे, बहुत अच्छा मंचन हुआ करता था, लेकिन अब हम हमारे यहाँ पे जैसे अशोक जी ने कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, यहाँ पर जो कवि सम्मेलन होते हैं उसके अंदर में चिटकुलेबाजी ज्यादा होती है, उसमें हास्य व्यंग्य कम होता है, और वही चीज को रिपीट हर स्टेज पे एक ही चीज वापस वापस सुनने के लिए मिलती है, तो ये एक विडंबना बोलिए या इसे कह सकते हैं कंपल्शन है, क्या है पता वैसे नहीं क्या वैसे है ये। उमेश जी, सबसे बड़ा हाँ दुर्भाग्य जो ये मंच के कार्यक्रम है उनके कारण ये हुआ है कि हमने उस तमाशे को ही साहित्य समझ लिया। इसलिए हाँ जो जो साहित्य हमारे पास है, हमारा जो वाङ्मय है वो बहुत समृद्ध है, लेकिन हम सोचते हैं कि यही साहित्य है, और जब ये वहाँ नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही फालतू चीज है। तो उससे क्या हुआ कि आप तो जैसे चिप्स खाते खाते फिर खीर आपको नहीं पचेगी, फिर पेड़ा आपको नहीं पचेगा, आपकी पाचन शक्ति खराब कर दी इन लोगों ने। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बाकी ये धंधा करें कोई बात नहीं, पैसा कमाएं कोई बात नहीं है, लेकिन ये साहित्य के रूप में स्थापित हो जाएं ये चिंता की। वो स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ठीक है वो काम करना, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के नाम से नहीं हो रहा है, ये कवियों के नाम से हो रहा है, तो हाँ थोड़ा ये गलत बात है, और ये चिंता की बात, चिंता की बात। मैं बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए जल्दी से एक बात कहना चाहता हूँ। मतलब पिछले 25-30 सालों का जो व्यंग्य साहित्य है, तो व्यंग्य के साथ जो हास्य शब्द जुड़ गया है, मुझे लगता है ये मौलिक बात नहीं है। ये बहुत ही बहुत चालू टर्म है। व्यंग्य के साथ कभी हास्य नहीं जुड़ा था, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में ये हास्य शब्द जुड़ गया, एक बात। दूसरी बात, आधुनिक समय में जो व्यंग्यकार लिख रहे हैं वो व्यंग्य की जो पुरानी परंपरा है, हरिशंकर परसाई से होते हुए और भी तमाम लोग हैं, उनके नाम लेना संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रमेश जोशी जी एकमात्र ऐसे व्यंग्यकार हैं जो परसाई जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। निर्भय होके जो लिखने का जो जो ताकत है लेखनी की, वो सिर्फ और सिर्फ रमेश जोशी जी में दिखाई देती है। तो शायद इसीलिए उस आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि
वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं अतिवाद में, वो दूसरों के लिखे का भी उतना ही सम्मान करते हैं। पुस्तक है झुमका खोने की स्वर्ण जयंती, गुरु जी की पुस्तक है, उसकी लाइन है, 4-6 में पढ़ के सुनाता हूं तो पता चलेगा कि जो एक रचनाकार जितना स्वयं के प्रति उदार है, दूसरों के विचारों के प्रति भी उतना ही उदार है, उतना ही सहृदय है। वो लिखते हैं कि लेखन यह सबके लिए खुली चौपाल है, इसमें सभी धर्म, जाति, नस्ल, देश, पार्टी, भाषा, उम्र के लोगों का स्वागत है। यहाँ सब यहाँ अपने विचार निर्भय होकर प्रकट कर सकते हैं, निर्भय होकर। यहाँ कोई भी किसी के विचार को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ किसी नैतिक अनैतिक पुलिस का भय नहीं है, नैतिक अनैतिक पुलिस का भय नहीं है। समस्त संवाद, विवाद, प्रबाद सत्य को समझने के लिए है। यह सच्चा दरबार है, बोलो सच्चे दरबार की जय। और पुनश्च पुनश्च में लिखा है, फिर ना कहना कि मन की बात कहने का चांस नहीं मिला। आप समझ गए होंगे। अच्छा तो मन की बात, ओके। कहने का आशय यह है कि ऐसा बिना लाग लपेट के सीधी सीधी बात लिखने के लिए जो जो ताकत चाहिए, जो जो ऊर्जा चाहिए और जो साहस चाहिए, समकालीन व्यंग में ऐसा बहुत ही दुर्लभ है। मैं समझता हूँ कि गुरुजी ऐसा लिख रहे हैं और हमारे समय में है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं अब 1 मिनट बचा है तो अंगली जुड़ के फिर मैं दोबारा अगले जुड़ वक्ता, जाते हैं, हाँ दोबारा दोबारा जुड़ जुड़ते जाते हैं हैं। अगले वक्ता को मैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप दोबारा जुड़ जाइए, सेम लिंक, जी वही वाली जी लिंक पे। फिर से जुड़ जाइए, मिलते हैं। फिर से जुड़ जाइए।